स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। स्मैकडाउन एक ऐसी गेम है जिसमें कई बार ही रेसलरों के बीच ऐसी गेम देखने को मिलती है जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। ऐसी ही फाइट तब हुई जब स्मैकडाउन में एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाले WWE चैंपियनशिप मुकाबले के लिए गॉटलेट मैच बुक किया गया। इस मैच में कॉफी किंगस्टन ने चोटिल मुस्तफा अली की जगह ली। शर्त यह थी कि जो इस मैच को जीतेगा वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच में सबसे अंत में एंट्री करेगा। किंगस्टन ने जो स्मैकडाउन में किया है उसका किसी को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन कॉफी का यह प्रदर्शन ऐतिहासिक था। आज तक किसी सुपरस्टार ने स्मैकडाउन में एक घंटे से ज्यादा समय तक मैच नहीं लड़ा। ये किंगस्टन की किस्मत कहे या फिर WWE का मेगा प्लान। इस मैच में सबसे पहले कॉफी और डेनियल ब्राइन की जंग फैंस को देखने को मिली। दोनों ने जीत के लिए सभी मूव्स का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जा रहा था कि ब्रायन ही जीतेंगे, लेकिन कॉफी के प्रदर्शन ने सभी अनुमानों को गलत साबित किया। कॉफी ने सबसे पहले चैंपियन ब्रायन को पिन करके हैरान कर दिया। इसके बाद कॉफी ने अपना धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जेफ हार्डी के खिलाफ हल्ला बोला। जेफ भी जीत के करीब थे, लेकिन किंगस्टन ने हिम्मत नहीं हारी और SOS लगाकर जेफ को बाहर का रास्ता दिखाया। जेफ के बाद समोआ जो आए। समोआ जो ने जीत के लिए किंगस्टन को काफी मारा, लेकिन किंगस्टन ने समोआ जो को कोकिना क्लच को पलटकर उन्हें ही पिन कर दिया। समोआ जो के बाद एजे स्टाइल आए और उन्होंने कॉफी को यह भी कहा कि वो अगर नहीं लड़ना चाहते तो मैच को रोक सकते हैं, लेकिन किंगस्टन कहां हार मानने वाले थे। किंगस्टन ने हार ना मानते हुए स्टाइल्स को भी ललकारा और किंगस्टन को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कॉफी ने एक घंटे से ज्यादा समय तक मैच लड़ा, जो कि स्मैकडाउन के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। मुकाबले का अंत काफी रोमांचक था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने सिर्फ एक RKO और 10 सेकंड में एजे स्टाइल को हरा दिया। अब 17 फरवरी को होने वाली एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू में ब्रायन अपने टाइटल को एजे स्टाइल, रैंडी ऑर्टन, कॉफी किंगस्टन, समोआ जो और जेफ हार्डी के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।